सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। दोस्तों लिफ्ट तो आप यूज करते होंगे, अगर आप छोटे शहर में होंगे तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन बड़े शहरों में इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है। दोस्तों लिफ्ट एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम बहुत ही ज्यादा जो ऊंची इमारतें होती हैं, बहुमंजिला इमारतें, उन पर हम जल्दी और आसानी से पहुंच जाते हैं और इसकी मदद से हम बहुत ही जल्दी से पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि लिफ्ट के अंदर एक शीशा लगा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है? आखिर इसका रीजन क्या है, उसके अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है, इसका वजह क्या है? तो अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन क्या है। दरअसल दोस्तों समय के साथ साथ लिफ्ट में भी काफी बदलाव हुए हैं। शुरुआत में लिफ्ट को केवल एक या दो लोगों को ही ले जाने और लाने के लिए बनाया गया था। उस लिफ्ट में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ज्यादा लोगों को ले जा सके, लेकिन जब ज्यादा लोग इसका प्रयोग करने लगे, जब ज्यादा लोग इसका यूज करने लगे तो इसका जो कैपेसिटी है बढ़ा दी गई, इसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ा और इसे अधिक लोगों को लाने और ले जाने के लिए एबल किया गया, इसको योग्य बनाया गया कि ज्यादा लोग इस लिफ्ट के द्वारा जा सके और आ सके। लेकिन इतना अच्छा आविष्कार करने के बाद भी लोगों की शिकायत यही रहे कि लिफ्ट जो है बहुत ही धीमे चलता है, बहुत ही स्लो चलता है ऊपर ले जाने और लाने में। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, लिफ्ट जो कंपनियां बनाती हैं, लिफ्ट निर्माता कंपनियों को कुछ लोगों ने ऐसी सलाह दी कि जो लिफ्ट है उस लिफ्ट की स्पीड बढ़ा दें, तो ये करना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। तो लिफ्ट जो कंपनियां बनाती हैं उनको एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना लिफ्ट के अंदर एक शीशा लगा दिया जाए, ताकि जब लोग अपना चेहरा देखेंगे और उसमें सात सवर में अपना बिजी रहेंगे तब उन्हें समय का पता नहीं चलेगा और जल्दी से वो चले जाएंगे और आ जाएंगे। तो शुरुआती टाइम में इसे केवल एक ट्रायल के लिए यूज किया गया, लिफ्ट के अंदर शीशे को ट्रायल के लिए इसमें लगाया गया कि देखा जाए क्या होता है। तो जब ट्रायल के लिए लगाया गया तो ये काफी सक्सेसफुल साबित हो गया, मतलब काफी अच्छा हुआ और लोगों की जो शिकायत थी, कंप्लेन थी, वो आना कम हो गई धीरे धीरे। तो लिफ्ट जो कंपनियां बनाती थी वो अपनी सारी लिफ्टों में शीशा लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद आजकल तो लिफ्ट ऐसी भी आती है कि वो पूरी की पूरी शीशे की बनी होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें आप आर पार देख सकते हो, वो कांच की लिफ्ट होती है और आपको समय का पता नहीं चलता है जब आप लिफ्ट में चढ़े होते हो। तो यही रीजन है कि लिफ्ट में शीशे को लगाया जाता है ताकि आपको समय का पता ना चले और आप जल्दी से ऊपर चले जाओ, मतलब कि ऊपर की फ्लोर पर चले जाओ या फिर नीचे की ग्राउंड या कोई दूसरे फ्लोर पर आ जाओ। तो इसीलिए लिफ्ट के अंदर शीशा लगाया जाता है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लेना, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।